मोहब्बत की शादी का सबूत कुरान में भी है, मौलाना साहब क्यों मना करते हैं मोहब्बत करने से? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बड़ी सख्त बात है। सैयदना यूसुफ अला नबीना वाले सलातो सलाम और ज़ुलैखा का जो वाकया है, इसमें इश्क मजाजी की जो दलील देते हैं ये गलत है। ये कुरान करीम से साबित है कि सिर्फ ये मोहब्बत ज़ुलैखा की तरफ से थी, अल्लाह के नबी की तरफ से नहीं थी। 12:12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 30 में तर्जमा है कमजोर ईमान। और शहर में कुछ औरतें बोली कि अजीज की बीवी, यानी अजीज मिस्र की बीवी ज़ुलैखा या मुराद है, अजीज की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाती है, बेशक इनकी मोहब्बत इसके दिल में, ज़ुलैखा के दिल में पैर गई है, रच बस गई है, हम तो इसे सरीह खुद रफ्ता पाते हैं। अल्लाह अज्जा वजल ने कुरान करीम में आप अला नबीना वाले सलातो सलाम के बाज रहने के अमल को खूब सराहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से ये इश्क नहीं था, ये तो इससे दूर रहे। आजकल के जो आशिकाने नादान अपने गुनाह भरे सड़े हुए बदबूदार इश्क को दुरुस्त साबित करने के लिए महाज अल्लाह हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना वाले सलातो सलाम और ज़ुलैखा के वाकये को आड़ बनाते हैं, ये हुक्म कुरानी के सरासर खिलाफ और कई सूरतों में सीधा कुफ्र तक ले जाने वाला है। मोहब्बत गैर की दिल से निकालो या रसूल अल्लाह, मुझे अपना ही दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह।